और कुछ दिन पहले हुए नाटकीय घटनाक्रम में राजपूत समाज के दो धड़े आपस में बात करने के लिए मिले थे, लेकिन वहां पर हाथापाई हुई और कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां पर गोली भी चली थी। लेकिन कल शाम को काफी हंगामे के बाद में दोनों ही धड़ों के जो मुखिया है उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। बात ये उठती है कि जब आपको समझौता ही करना था तो फिर इस प्रकार की नौबत ही क्यों आई और इसे अब सभी लोग नाटकीय घटनाक्रम कह रहे हैं। और ये हम नहीं, ये सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की पत्नी सपना सोनी का भी कहना है। बात करेंगे उनसे, जानेंगे उनकी क्या कुछ राय है। सपना जी, सारे घटनाक्रम से आप वाकिफ हो और बाद में क्या हुआ है कल वो भी आप जानते हो। दोनों ही लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन से माफीनामा या फिर हम यूं कहें कि समझौते की बात कम ही कर ली है। जब समझौता ही करना था तो इस प्रकार के काम ही क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि राजपूत समाज को एक नजर से सब लोग ये देखते हैं कि वो न्याय के लिए सब मतलब सभी कौम के लिए लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि जो संगठन बने हैं राजपूत समाज के वो आपस में लड़ रहे हैं। जहाँ की बात समझौते की, अगर समझौते के लिए वहां गए तो वहां मारपीट की और फायरिंग की नौबत क्यों आई? नौबत आई ही गई उसके बाद में, फिर जब कुछ पूरा हंगामा हो गया उसके बाद में बोलते हैं कि आपस में एक दूसरे ने माफी मांग ली और समझौता हो गया। अगर कल को वहां इतने सारे लोग खड़े थे उनमें से अगर फायरिंग के दौरान अगर वो गोली किसी को लग जाती तो क्या जवाब देते हो? क्या जवाब देते ये बताइए। सपना जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, 5 दिसंबर को गोगा मेडी जी के सामने बहुत ही हम कह सकते हैं बुरा हुआ। सभी लोग दूर देश से भी लोग आए हैं, कोई विदेश से भी आया और भारतवर्ष से भी कई संगठन वहां पर आए, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज वहां पर बैठा था गोगा मेडी जी को न्याय दिलाने के लिए। क्या आपको लगता है न्याय मिल गया? और अगर नहीं मिला है तो जब वहां पर सबने एक आवाज में बोला था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं गोगा मेडी जी के लिए नहीं बल्कि आपस में हो गई है, क्या कारण मानते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जो 5 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में एक ही बात रखी गई थी, सभी संगठन थे, 36 कौम से सब लोग आए थे, 36 कौम के संगठन के पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे और कहीं ना कहीं सभी नेता भी मौजूद थे। उनमें यही बात हुई थी कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्यारों को जब तक फांसी नहीं दी जाती या फिर उनका एनकाउंटर नहीं होता ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही था कि जब तक उनको सजा नहीं मिले तब तक वो आंदोलन खत्म भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए थे, सभी कौम के लोग आए थे 36 कौम के। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहां वो आंदोलन खत्म करना पड़ा, वहां से उठ गए सब लोग, जबकि न्याय तो अभी तक नहीं मिला उनको, 7 महीने हो गए। आपको भी पता है कि न्याय कहां मिला है उनको, जो पकड़े गए थे वो जेल में है, जो नहीं पकड़े गए वो फरार है, लेकिन कहां कोई सजा नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये आंदोलन किया ही क्यों गया था? अगर किया गया तो फिर इस आंदोलन को ऐसी रूपरेखा में लेते ना कि कम से कम न्याय तो मिलता, परिवार को मिलता और समाज को मिलता और कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह मेडी को भी न्याय मिलता अगर उनके दोस्तों को सजा मिलती। और बात ये संगठनों की है, ये संगठन आपस में इसलिए बने हुए हैं क्या कि अपनी अपनी रोटियां सेके, और बिल्कुल ये इसीलिए बने हुए हैं कि अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये अपना अपना घर चला रहे हैं और बिल्कुल ये नई नई दुकानें खुली है और कुछ नहीं है दुकानों के अलावा। मैं तो सभी समाज से और यही कहना चाहूंगी कि ये जो संगठन वाले ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना घर परिवार देखिए सब लोग। इन संगठनों में क्या है, जो संगठन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष था अभी तक उनको ही न्याय नहीं दिला पाइए तो आपको और हमें कहां न्याय दिलाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताया 5 दिसंबर को भी यही थी, आज भी मैं इसी घर में हूँ जहां उनकी हत्या की गई थी, वो जगह अभी तक हमने साफ नहीं की। इस उम्मीद से मैंने साफ नहीं की कि उनको न्याय सारे मिलके दिलाएंगे, सभी संगठन राजपूत संगठन जो राजपूतों के संगठन है वो सभी एकजुट होकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी को न्याय दिलाएंगे जब जाके मैं वहां से सफाई कराऊंगी। लेकिन मैं अब जो देख रही हूँ ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये न्याय कहां दिलाएंगे और लड़ाई किस लिए? सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, सुखदेव सिंह गोगा मेडी बनने के लिए? तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मैं जानती हूँ, जहां तक हम दोनों साथ रहे हैं 11 साल तक तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने समाज के लिए और 36 कौम के लिए एक दिन रात एक करके उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो ये कभी नहीं कर सकते, ये तो आपस में लड़ सकते हैं समाज के लिए या न्याय की लड़ाई के लिए, कभी नहीं लड़ेंगे ना ये कभी एक होंगे जी। ये चीज है आपसी वर्चस्व की लड़ाई, बिल्कुल आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की लड़ाई है। और ये चाहते हैं कि सब ये सोच रहे कि मेरी दुकान इससे ऊपर चले, वो सोचता है कि मेरी दुकान इससे ऊपर चले, और हमें कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई पार्टी पूछे, जैसे कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई हमारी पूछ करे और वहां से हमें कुछ मिले।
सपना जी, एक सवाल और ये भी है कि कहीं ना कहीं समाज के जो वयोवृद्ध लोग हैं राजपूत समाज के, वो आपस में उन्होंने शायद बात भी करी है और ये कहा भी है कि अब कालवी जी की समाधि पे जाके या गोगा मेडी जी की समाधि पे जाके सबको उनसे माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद में सबको वापस एक हो जाना चाहिए। आप इससे कितना सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत। अगर ये एक हो जाते हैं तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी और कालवी साहब की आत्मा को शांति भी मिलेगी और साथ में सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी को न्याय भी दिला पाएंगे और न्याय फिर उनको मिलेगा भी, क्योंकि सारे संगठन अगर एक होकर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और न्याय मिलेगा उनको। लेकिन लगता नहीं कि ये सब एक होंगे। जैसे कि बता रहे मेपाल सिंह मकराणा जी को शिव सिंह जी ने अपने ऑफिस में बुलाया था कि अपने एक, मतलब सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता, जहां तक मैंने देखा है मीडिया में, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि उनको इसलिए बुलाया गया था कि सारी कर्णी सेना को अपने एक करते हैं संगठन को और एक बैनर के नीचे आते हैं। तो एक बैनर के नीचे आने के लिए सभी संगठनों को एक करने के लिए वो गए थे, या फिर ये जो ड्रामा चल रहा है कि पहले तो उन्होंने आपस में एक दूसरे पे फायरिंग की, मारपीट की और फिर समझौता हो गया, अगर इस दौरान अगर किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता तो फिर क्या होता? बिल्कुल सपना जी, कुछ तारीखों पे हम बात करते हैं। एक तो 5 दिसंबर जी, उसके बाद 7 अप्रैल जी, उसके बाद में आता है, एग्जैक्टली हमें ध्यान नहीं है, या तो शिव सिंह जी का जन्मदिन था या फिर कार्यालय की ओपनिंग थी जी, और एक जो परसों घटनाक्रम जी। तीनों ही घटनाक्रम में 5 दिसंबर, 7 अप्रैल और जो 2 दिन और मैंने बताया, कहीं ना कहीं शिव सिंह जी की मौजूदगी रहती है और कहीं ना कहीं जो भी बात होती है वो सहानुभूति फैक्टर शिव सिंह जी के साथ में चला जाता है। भले 7 अप्रैल की घटना हो, जैसे कि आपने भी बताया कि जब आप वहां पे गए थे चित्रकूट स्टेडियम तो आपको पता पड़ा पुलिस के थ्रू कि आपको ना आने के लिए वहां पर बोला गया जी, बिल्कुल थाने में। उसके बाद में जब सभी मीडिया वाले उनके कार्यालय पे जाते हैं कुछ दिन पहले, तब उनके पास में सडन कॉल आता है मोबाइल पे और उस समय फिर से एक सहानुभूति फैक्टर आ जाता है। मकराना जी के साथ में जो भी परसों घटनाक्रम हुआ उसमें भी घुमा फिरा के फिर से एक सहानुभूति फैक्टर आ जाता है। बार बार शिव सिंह शेखावत जी केंद्र में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको इसका क्या कारण हो सकता है? समाज की सहानुभूति लेकर ये लोग कुछ नहीं है अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। मेरे साथ भी ये ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था, लेकिन जैसे कि इन्होंने मुझे भी अपने ऑफिस में बुलाया था, जो मेरे साथ पीएसओ गए थे उनको भी इन लोगों ने मना किया था कि अंदर नहीं आएंगे आप, सिर्फ सपना जी बैठेंगे अंदर, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और मेरे साथ बैठे। अगर उस दिन ये मेरे साथ नहीं होते तो वो मेरे साथ भी ऐसा कुछ ही करते, जरूर पक्का करते कि उस दिन तो वो चूक गए थे, उस दिन मेरे साथ कुछ नहीं कर पाए वो अपने ऑफिस में। लेकिन 7 अप्रैल को जो प्रोग्राम था, पहले उस प्रोग्राम में चित्रकूट थाने से मुझे रोका गया, पहले घर पे आके इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं मुझे कि आपको श्रद्धांजलि सभा में आना है, फिर मैं जब जाती हूँ सुबह तो मुझे वहां रोका जाता है और रोकने के बावजूद भी मैं वहां श्रद्धांजलि सभा में जाती हूँ। मैं बोलती हूँ सिर्फ मैं श्रद्धांजलि देके उनको वापस चली जाऊंगी घर, तो मैं जैसे श्रद्धांजलि देती हूँ उसके बाद में इन्होंने स्टेज पे एक औरत को वहां खड़ा किया और उस औरत ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी के बारे में गलत बोला कि वो 3-3 औरतें रखता था, श्रद्धांजलि की कहाँ जरूरत थी, फिर भी हम तो समाज के हैं, क्या करें, आएंगे नहीं क्या, ऐसा कोई बोलेगा तो आप भी सोचो किसी को भी गुस्सा आएगा। वहां मुझे भी गुस्सा आया और उस गुस्से की वजह से मैंने समाज, मेरे गलती से मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि तुम लोग कटोरा लेके भीख मांग लो, तो मैंने वो कटोरा लेके भीख मांगने का वाक्य इसलिए बोला था कि तुम लोग कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम आपस में आपस एक दूसरे के दुश्मन हो और ये चीज सामने भी आ गई क्योंकि 2 दिन पहले जैसे कि आपने देखा है कि मेपाल मकराणा जी को बुला के वहां फायरिंग की गई या मारपीट की गई, तो वो चीज तो सामने आएगी ना। तुम समाज के एक दूसरे के नहीं हो सकते तो दूसरों को न्याय कहां दिलाओगे, 36 कौम को न्याय कहां दिलाओगे? 36 कौम के लिए आप बोल रहे हो हमने संगठन बनाया है, तो 36 कौम को तो न्याय बाद में दिलाना, जिस कौम से सुखदेव सिंह गोगा मेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के, उनको तो न्याय दिला दो पहले और न्याय फिर सेकंड मुझे भी दिला दो, मैं भी उसी घर में बैठी हूँ ना, कहाँ गए सारी कर्णी सेना के सारे संगठन? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज भी वही जगह 5 दिसंबर को जो हुई थी हत्याकांड हुआ था यहाँ, वो जगह वैसी की वैसी मैंने रखी है कहीं ना कहीं इसी उम्मीद पे कि सारे संगठन एक होकर उनको न्याय दिलाएंगे जब जाके मैं यहाँ सफाई करूंगी। आपकी शीला जी से और जो गांव में जो सुखदेव जी की वाइफ है उनसे आपकी बातचीत होती है? जी नहीं बिल्कुल, मेरी उन दोनों से पहले भी बात नहीं होती थी, जब सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी थे तब भी वो भी मुझे हम तीनों को अलग अलग रखते थे, हम तीनों आपस में कभी भी बात नहीं करती थी। हाँ, 1-2 बार उनसे मेरी बात हुई तो वो भी मनमुटाव और आपस में लड़ाई झगड़ा ही हुआ है। अभी तो कोई मनमुटाव नहीं? जी नहीं बिल्कुल, मेरा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है, वो अपना काम कर रही है, अपना संगठन चला रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, मैं अपना घर चला रही हूँ, अपने आराम से उसी जगह हूँ जहाँ सुखदेव सिंह गोगा मेडी मुझे छोड़कर गए थे और इसी जगह पे मैं हमेशा जब तक जिंदा हूँ इसी जगह पे रहूंगी, वहां सफाई भी नहीं करूंगी तब तक जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। अब इस सारे घटनाक्रम के बीच में राजपूत समाज कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है,
राजपूत समाज के जो नए जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, तो उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि संगठन बहुत बन गए राजपूत करनी सेना के, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, श्री राष्ट्रीय करनी सेना या राजपूत करनी सेना, और भी बहुत सारे करनी सेना परिवार, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। मैं तो सभी भाइयों से, राजपूत समाज के सभी भाइयों से ये अपील करती हूँ कि जब भी कोई ये बोले कि हमारा प्रोग्राम है, हमारे संगठन का प्रोग्राम है, आप आइए, समाज को बुलाते हैं, तो उस समाज के सभी भाई और बहनों को ये बोलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम आएंगे, हम सब आपके साथ हैं, आप भी हमारा परिवार हो, आप ही हमारा समाज हो, लेकिन पहले सुखदेव सिंह उगामेडी को न्याय दिलाओ। सबसे पहले सुखदेव सिंह उगामेडी को न्याय दिला देंगे, उसके बाद इन लोगों को कहीं ना कहीं उनका साथ और सपोर्ट देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अभी कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये संगठन बने हैं ये समाज के लिए और अदरवाइज अलग समाज के लिए इसलिए बने कि उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन न्याय की बात ये करते नहीं है, ये तो आपस में ही अपनी रोटियां सेक रहे और अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो उन दुकानों को बंद करने के लिए समाज को एक होना ही पड़ेगा। जब समाज सारा एक होगा और इनका विरोध करेगा या फिर इनको ये बोलेगा कि अगर आप न्याय दिलाने के लिए खड़े हो, न्याय दिलाने के लिए अगर आपने संगठन बनाया है, तो पहले आप सब एकजुट होकर एक बैनर के नीचे आके सुखदेव सिंह उगामेडी के लिए लड़ाई लड़ो और सुखदेव सिंह उगामेडी को हत्यारों को फांसी दिलाओ। ये थे हमारे साथ सपना सोनी जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लड़ाई 5 दिसंबर को शुरू हुई थी, अब वो लड़ाई लड़ाई ना होके आपस का मनमुटाव बदल गया है, और भले ही पूरे भारतवर्ष के जितने भी संगठन हैं राजपूत समाज के, जो उस 5 दिसंबर की घटना के बाद एक मंच पर, एक जाजम पर आए थे, उस समय जो मांग उठी थी, कहीं ना कहीं अब वो मांग लुप्त हो चुकी है और सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, भले वो कोई भी हो। और सपना सोनी का विरोध किसी से भी नहीं है, उनका सिर्फ एक ही चीज कहना है, जो उस दिन उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस जगह को तब तक साफ नहीं करूंगी जब तक सुखदेव जी को न्याय नहीं मिलेगा, और यही बात तमाम संगठनों ने दोहराई भी थी, लेकिन अब वो बात को कम से कम 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो फर्श आज भी वैसा का वैसा है, और हमें देखने को मिल रहा है इन तमाम संगठनों की आपस की लड़ाई। अब देखने वाली बात यह होगी जो सपना जी ने कहा कि अगर ये तमाम संगठन एक हो जाते हैं, सुखदेव जी को न्याय मिल जाता है, उसके बाद जिसको जो करना है वो करे, स्वतंत्र है, लेकिन अपने मन से तब तक सुखदेव जी का नाम ना ले अगर वो वाकई उनको न्याय दिलाने की मंशा नहीं रखते हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।